प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कहना था कि जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक देश की प्रगति असंभव है। देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने में मोहम्मद आलम साहब, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिला सह उपाध्यक्ष फ्रेंड ऑफ तेजस्वी उपस्थित थे। हम लोग आजादी के आज विगत 16 वर्षों से अपना योगदान देते आ रहा और खास करके हमारे आजादी के जबकि हमारे राजन है, इन लोगों के नजर में इन लोगों के आशीर्वाद के साथ है और हमेशा रहेंगे आशीर्वाद के साथ। और आदरणीय राजस्व भी मुलायम प्रसाद यादव जी का जो सपना था और भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प है, इसको हम लोग लेके चलेंगे। और किसान R9 भारत के लिए आरजू अंसारी की रिपोर्ट, मधेपुरा, बिहार। आपको बता दें कि बीते हुए दिनों मुरलीगंज वार्ड पार्षद पुत्री रितिका की हत्या को लेकर जहां पूरी तरह लोग आक्रोश में थे, वहीं आज मुरलीगंज सार्वजनिक दुर्गा स्थान परिसर में रितिका के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुरलीगंज अखिल भारतीय विद्या परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मुरलीगंज नगरवासी के द्वारा रितिका की तस्वीर पर पुष्प वर्षा कर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकारिणी सदस्य राजू सनातन और ऋषभ रंजन राजा भारती ने हमारे मधेपुरा जिला संवाददाता आरजू अंसारी को बताया कि बीते दिनों हुई मुरलीगंज की बैंगा नदी के रेलवे पुल के नीचे रितिका का शव बरामद हुआ था। 15 दिन होने के हैं लेकिन अभी भी यहां मुरलीगंज प्रशासन, मधेपुरा प्रशासन के द्वारा स्थिति को नहीं सुलझा पाई है। मुरलीगंज और मधेपुरा प्रशासन की तरफ से इस मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वहीं मौके पर उपस्थित शिवांगी कुमारी ने बताया कि अगर रितिका को न्याय नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अन्यथा प्रशासन को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। यह हत्याकांड एक बेटी की हत्या का है, समाज के लिए बहुत ही दुखपूर्ण बात है कि आज हमारे समाज में एक छोटी बेटी चली गई और अपना राज स्तर हमारे समाज का नाम रोशन किया। हम आपको बता दें कि रितिका जूडो कराटे में बिहार में गोल्ड मेडलिस्ट से भी सम्मानित थी। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश देखा जा रहा है प्रशासन पर। अगर प्रशासन सही कदम नहीं उठाता है तो हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम लोग सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मधेपुरा प्रशासन को पता नहीं है कि मुरलीगंज क्या है। रितिका की हत्या को मुरलीगंज में बच्चा बच्चा जानता है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुरलीगंज निकम्मी पुलिस लीपापोती करने में लगी हुई है। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों यहाँ पर मधेपुरा प्रशासन का पुतला दहन भी किया गया था, लेकिन अभी भी प्रशासन को किसी तरह का लिहाज नहीं है और एक बेटी के लिए न्याय मिलना, जस्टिस फॉर रितिका, मधेपुरा के लोगों की यही अपील है। रितिका को न्याय मिलना चाहिए। मुरलीगंज के लोगों का कहना है कि निर्दोष फंसे नहीं, दोष बच्चे नहीं। कि वो इस मामले को क्यों जानबूझकर डिले कर रहे हैं कि आज 10-10 दिन बीतने को है और एक भी सुराग, ऐसा कोई हत्या नहीं है जिसमें इतना लेट तक जो है पर्दा डाला रह जाता है। निश्चित रूप से कातिल का पता लग जाता है, लेकिन इस मामले में एक भी ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ठंडे बस्ते में डाला। ये आपका जो है श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है, इससे पहले भी पुतला दहन किया गया है, इसके बावजूद भी नहीं हो गया और ये सब होने के बाद भी अगर और भी कुछ नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करें? अगर प्रशासन अब भी नहीं जागेगी तो ये मुरलीगंज की जनता है, इतिहास जानता है कि मुरलीगंज जब जब सब्र का इम्तिहान लिया गया है, मुरलीगंज आगे बढ़ के जवाब दिया है, तब मुरलीगंज की जनता मधेपुरा जिला मुख्यालय कूच करेगी। सर आपका नाम क्या? राजू सनातन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुरलीगंज। न्याय के लिए हम लोग, क्या नाम हुआ आप? रंजना। आज आप लोग जो है दुर्गा स्थान में श्रद्धांजलि रितिका के लिए जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए, क्या कहना चाहते हैं?
हम लोग सभी आदमी आज दुर्गा स्थान में एकत्रित हुए हैं रितिका को श्रद्धांजलि के लिए। तो अभी तक जो मुख्य आरोपी है ना ये रितिका का, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और एक लड़का को अरेस्ट किया गया आनंद कुमार जिसका नाम है, अभी तक वो भी मतलब नहीं हुआ है कि वो मतलब कि कातिल है या नहीं है। तो हम लोग प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो मतलब कि कातिल है, मुख्य कातिल, वो उसको जल्द से जल्द सामने लाएं और उसको जो सजा है उसको सजा दें। क्या नाम है आपका? राजा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुगलीगंज। R9 भारत के लिए आजू अंसारी की रिपोर्ट, मधेपुरा बिहार।